मुझे लग रहा है कि मेरा लेफ्ट वाला टायर जो वाइट पट्टी पे ही है। अब देखिए उतर के देखते हैं कि कितना जस्टिफाई किया है। तो ये देखिएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ड्राइव विद अंकित। सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो हमारा होने वाला है लेफ्ट साइड के जजमेंट के ऊपर। देखिए बहुत से लोगों को ना दिक्कत आती है लेफ्ट साइड जज करने में, ठीक है। अब उन्हें दिक्कत ये क्यों आती है, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला हमारा प्रॉपरली विजिबल नहीं रहता है, ठीक है। और जो हैचबैक या सेडान है उनमें तो बोनेट भी नहीं दिखता है, तो जिससे कि हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अपना लेफ्ट साइड जज करने में। और हम कई बार ना टच कर जाते हैं लेफ्ट साइड की चीज़ों से या हिट कर जाते हैं, हमें प्रॉपर जजमेंट नहीं मिलता है। और स्पेशली जो बिगनर्स हैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और उसके ऊपर प्रॉपरली मैंने वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, वो कह रहे थे कि सर हमें राइट और लेफ्ट साइड का जजमेंट आप स्टेयरिंग के हिसाब से ही बताइए, जैसे कि और बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पर जो कि स्टेयरिंग को रेफरेंस पॉइंट लेके राइट और लेफ्ट का जजमेंट बताते हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट कैसे लेंगे हम, देखिए स्टेयरिंग लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट और लेफ्ट कहाँ चल रहा है टायर, हम वो जजमेंट लेंगे, ठीक है। सपोज करेंगे, हम एज अ अज्यूम करेंगे कि हमारा स्टेयरिंग के हिसाब से राइट वाला टायर यहाँ चल रहा है, लेफ्ट वाला टायर यहाँ चल रहा है, उसके हिसाब से हम जजमेंट करते हैं, ठीक है। अब मैंने अभी तक वो वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्या रीज़न था उसके पीछे, और मुझे ये मैथड इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब क्यों नहीं अच्छा लगता है और क्या इसमें दिक्कत है, पूरी बात करेंगे वीडियो में। मैं पूरा आपको वीडियो बताऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जजमेंट लेना आपकी स्टेयरिंग के हिसाब से, फिर मेरी नज़र में मेरे ओपिनियन में मुझे ये क्यों नहीं अच्छा लगता है ये भी बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक। सो गाइस, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब, यहाँ पे आपको ऐसे ही कार और ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ अपना वीडियो और बताता हूँ आपको पूरी डिटेल वीडियो में आगे। हमें देखिए आज क्या करना है कि हम अपना स्टेयरिंग का जजमेंट लेते हुए राइट और लेफ्ट का जजमेंट कैसे करना है, ठीक है। अपना स्टेयरिंग को ज़ूम करते हुए अपना स्टेयरिंग को एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करते हुए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं स्टेयरिंग, देखिए ये देखिए ऐसी स्टेयरिंग दिख रही है आपको, तो आपको अपना स्टेयरिंग का रेफरेंस लेते हुए राइट लेफ्ट कैसे जजमेंट करना है। अब देखिए मैं सिंपली बता दूं आपको स्टेयरिंग का, देखिए आप देखेंगे ना मूवमेंट, तो देखिए ऐसे ये देखिए इस तरह से आप देखेंगे जब इस तरह से, तो ये जो आपको ये दिख रहा है ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है उधर आपका लेफ्ट वाला टायर चल रहा है लेफ्ट साइड में मेरे, और जो राइट वाला है उधर पे राइट वाला आपको ऐसे देखना है, ठीक है। ये देखिए ये जो स्टेयरिंग है ये इस तरह से ऐसे आपका जो एंगल बन रहा है उस एंगल पे हमारा जो है वो राइट और लेफ्ट वाला टायर चल रहा है, जिसकी वजह से हम अपना राइट और लेफ्ट का जजमेंट ले सकते हैं इजीली। तो देखिए अभी करना क्या है, हम देखिए पहले अपना, देखिए आगे आपको वाइट पट्टी दिख रही है, तो उस वाइट पट्टी पे अपना लेफ्ट वाला टायर प्लेस करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमें अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। तो अभी वो जो मेरा टायर है वो वाइट पट्टी पे नहीं था, वो बहुत ही कॉर्नर पे था, तो अभी मैं वाइट पट्टी पे उसे लेके आता हूँ। अब देखिए अगर आपको जजमेंट है तो आप आराम से ऐसे ही ले आइए, ठीक है। अगर आपको जजमेंट नहीं है, ऑब्वियसली बात है नहीं होगा आपको, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या करिए किसी की हेल्प से या आप एक दो बार उतर के देख लीजिए कि आपका टायर जो है वो वाइट वाली पट्टी पर ही चलने लगे। अभी देखिए मैंने गाड़ी लगा दी है, अब मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट यूज़ करा है, सेंटर वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब थोड़ा कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है ना, तो थोड़ी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो इधर हल्का फुल्का, बट वो जो सेंटर वाला पॉइंट है वहीं पर हमारा लेफ्ट वाला टायर चलता है, तो उसके हिसाब से मैंने अपनी गाड़ी जो है वो लेफ्ट लगा दी और मुझे लग रहा है कि मेरा लेफ्ट वाला टायर जो वाइट पट्टी पे ही है। अब देखिए उतर के देखते हैं कि कितना जस्टिफाई किया है। तो ये देखिए गाइस पूरा प्रॉपर जजमेंट मिला है, ठीक है। आगे वाला टायर भी और पीछे वाला टायर भी आराम से देखिए उसी वाइट पट्टी के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इशू नहीं आया है, सही से हमने गाड़ी जो है अपनी लगा दी है वाइट पट्टी के ऊपर। अब अभी जो हमारा टायर है ना वो वाइट पट्टी के ऊपर ही चल रहा है। अब देखिए सीट बेल्ट लगा लेता हूँ फिर से। तो देखिए ये देखिए हमारी जो लेफ्ट वाला टायर है वो वाइट पट्टी के ऊपर आ गया है। अब देखिए हमें जजमेंट कैसे लेना है ऐसे। अब देखिए कैमरे में शायद जस्टिफाई हो रहा होगा, ये देखिए ये एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है स्टेयरिंग का, ये जो ये एंगल बन रहा है लेफ्ट साइड वाला, इससे हम जजमेंट ले सकते हैं कि हाँ हमारा लेफ्ट वाला टायर उस वाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है।
अब देखिए बहुत लोगों ने ये वीडियो बना रखे हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने स्टेयरिंग से रिलेटेड लेफ्ट और राइट का जजमेंट बना रखा है, बट मुझे पता नहीं क्यों उतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं लगता है। अब ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे ऐसे समझ में नहीं आता है। अब समझ में क्यों नहीं आती उसकी एक वजह है कि मैं स्टेयरिंग देखिए देख रहा हूँ, अब मुझे दिख रहा है कि थोड़ी इधर जा रही है इधर जा रही है, एक एक्यूरेट आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है, हल्का फुल्का इधर उधर, तो वो मैं ऐसे भी जजमेंट कर लूँगा, ठीक है, मैं अपना बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के भी क्रिएट किए हुए भी हल्का फुल्का 19-20 तो या तो इधर होगा टायर या इधर होगा, ठीक है, थोड़ा परफेक्ट बिल्कुल क्लोज टू परफेक्ट जजमेंट कैसे आएगा, तो वो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से तो स्टेयरिंग से नहीं आ पा रहा है, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपने ट्राई करके देखा है, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है, तो हो सकता है कि देखिए हर किसी को अलग अलग ट्रिक समझ में आती है, अब मुझे ये प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा क्योंकि मैं जो मेरा व्यूइंग एंगल है ना वो इधर स्ट्रेट पड़ रहा है, ठीक है, अब मैं नीचे देखूं पहले इधर देखूं कि हाँ इधर से ऐसे जा रहा है फिर वो एंगल बन रहा है, तो ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही है। अब शायद मैं चला लेता हूँ तो इसलिए मुझसे नहीं हो पा रही है, अगर आप बिगनर हैं तो शायद आपसे ये चीज़ हो जाए। तो मुझे एक्यूरेट क्या लगता है, देखिए या तो आप मार्किंग कर लीजिए, ठीक है, आप मार्क कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, आप ग्लास पे मार्क कर लीजिए, क्यों, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी भी फ्रंट की है, आप उधर ही देख रहे हो, आप स्टेयरिंग नहीं देख रहे हो, आप बार बार अच्छा स्टेयरिंग ऐसे अच्छा पता चला इधर घूम गई तो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि अरे यार कैसे जजमेंट होगा। या आप देखिए वो जो फ्रंट दिख रहा है आपको डैशबोर्ड में, बिल्कुल फ्रंट दिख रहा है वहाँ पर आप आराम से देख लीजिए, उसी से आप जजमेंट करिए। अभी जो मैंने जजमेंट करा वो उसी से जजमेंट करा है, फ्रंट साइड से मैंने करा कि हाँ मुझे लग रहा है कि अब देखिए मेरी आंखों से मुझे दिख रहा है कैमरे में, हो सकता है कि एंगल थोड़ा इधर उधर हो गया हो तो उस वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, अब मुझे दिख रहा है कि हाँ यार बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है और वो सही से बिल्कुल जस्टिफाई करा है उसने और वहीं पे गाड़ी खड़ी हुई है। और एक प्रॉब्लम क्या है स्टेयरिंग वाले जजमेंट में, देखिए प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए ये देखिए ये एंगल में अज्यूम कर रहा हूँ तो इसमें क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा आगे का दिख रहा है मुझे, अभी देखिए मैं किनारे कर दूंगा ना तो इतनी पास क्लोज कॉन्टैक्ट पे नहीं दिखेगा वो। आप देखिए मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा कि ये देखिए ये जो एंगल बन रहा है ना ये कहीं ना कहीं इधर जाके बन रहा है तो वो बहुत दूर है, ये जो पॉइंट ऑफ जजमेंट हमें जज कर रहे हैं ये बहुत दूर जाके जजमेंट हो रहा है स्टेयरिंग से, तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जा रही है, हमारा मतलब टाइम बढ़ जा रहा है। आप कहिए कि मान लीजिए वहाँ जब हमें दिखेगा कि हाँ अब दिख रहा है कि मेरी गाड़ी उसके अकॉर्डिंग अलाइन है, अब जहाँ पे जगह नहीं हो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे ये चीज़ नहीं काम आ पाएगी, ठीक है। तो इसलिए मेरी नज़र में मुझे ये स्टेयरिंग वाला जजमेंट उतना परफेक्ट नहीं लगा, ठीक है, उतना एक्यूरेट नहीं लगा जितना कि एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करके मैं उससे कर सकता हूँ। बट लेकिन मैं आपको एक जजमेंट के लिए, आपकी सहूलियत के लिए आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि कैसे जजमेंट लेना है हमें स्टेयरिंग से। अभी देखिए जैसे ही मैं टर्न हो जाता हूँ तो ये देखिए, अब देखिए आगे, अब ऐसे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ पे क्या है, तो ये देखिए टर्न पे ना आपका जजमेंट वो काम नहीं करता है, उसके लिए आपको खुद प्रॉपरली अपने दिमाग से ही एक अज्यूम करना रहता है, जजमेंट लेना रहता है कि हाँ मेरी गाड़ी घूम जाएगी, क्योंकि टर्न पे ये सारी ट्रिकें नहीं काम आती हैं, ये फेल हो जाती हैं, ठीक है। आप मान लीजिए ऐसे जज कर रहे हैं, आप टर्न पे जाएंगे तो वो एंगल बिगड़ जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको जजमेंट नहीं मिल पाएगा क्योंकि गाड़ी के टायर जो हैं वो रोटेट हो जाते हैं। अभी देखिए यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं और कोशिश करेंगे वाइट पट्टी पर ही चलाने की और आपके उसी अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग स्टेयरिंग का जजमेंट लेना है मुझे, ठीक है, स्टेयरिंग को रेफरेंस पॉइंट रखते हुए। अब देखिए यहाँ से मैंने स्टेयरिंग सीधी करी और ये रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए कितनी दूर जाके लेना पड़ रहा है, ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि हाँ उसके आसपास चल रही है, तो ये बहुत ही दूर डिस्टेंस मेरा जो है वो बढ़ जा रहा है, आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस बढ़ जा रहा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गैपिंग हो रही है, इसकी वजह से मुझे ये उतनी एक्यूरेसी नहीं लगी। बट आप शुरुआती दिनों में हो, आप सीख रहे हो, अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है तो आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, इससे भी आपको जजमेंट मिल जाएगा अपने लेफ्ट और राइट का जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी ड्राइविंग इम्प्रूव करने में और आपको जजमेंट लेने में, ठीक है। सो गाइज ये था आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।